अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? इंशाल्लाह अज़ा वजल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हासदीन की हसद से और शरीरों के शर से बचा कर रखे और हमेशा हम सबको आबाद शाद और खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू स्मोकी राइस। इसके लिए मैंने 1/2 kg के करीब ले लिया है चिकन। इसमें हम डालेंगे टिक्का मसाला। टिक्का मसाला के साथ हम डालेंगे इसमें सुरख मिर्च, नमक और साथ में सोया सॉस, चिली सॉस, और 5 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे इसमें दही। इसको जितना ज़्यादा हम टाइम रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी मैरिनेशन जो है वो अच्छी तैयार होगी और चिकन जो है वो मज़े का और टेस्टी बनेगा। अगर आपके पास एप्पल विनीगर नहीं है तो आप वाइट विनीगर भी डाल सकते हैं, और विनीगर ही नहीं है तो फिर आप लेमन जूस जो है वो डाल दें। मैं विनीगर के साथ लेमन जूस भी 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूंगी, और जब तक हमारी मैरिनेशन तैयार होती है उस वक्त तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। 1 लें तेज की और उसमें डाल लें 1/2 टेबल स्पून के करीब जिंजर और गार्लिक पाउडर, और इसमें डालें थोड़ा सा ऑयल, और इसमें सारी वेजिटेबल्स जो हैं प्याज, हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना काट कर डाल दें, और मैरिनेटेड चिकन जो था वो भी ऐड कर दें और इसको कर लें अच्छी तरह से फ्राई, भून लें, पका लें। और जब ये भुन जाए तो इसके ऊपर रखें कोई सी कटोरी, उसमें रखें कोयला जला हुआ और उसके ऊपर डाल दें 1/2 टीस्पून के करीब ऑयल, और ढक्कन को फौरन से बंद कर दें ताकि जो स्मोक है वो सारी की सारी चिकन में शामिल हो जाए। लें जी हमारा स्मोकी चिकन टिक्का रेडी है। दूसरी तरफ हम दूसरा स्टेप जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक देजकी में ऑयल डालें और इसमें जिंजर और गार्लिक पाउडर डालें। इसमें डालें वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद हैं वो डाल दें। मैं डाल रही हूँ कैबेज डाल रही हूँ, कैरेट डाल रही हूँ और कैप्सिकम डाल रही हूँ। इसमें डालेंगे नमक, काली मिर्चें, सोया सॉस और चिली सॉस। अगेन 1/2 टेबल स्पून के करीब आप इसमें डाल दें सारी सॉसेस। आज की हमारी डिश 3-4 स्टेप्स में बनेगी। थोड़ा लेंथी काम है लेकिन बहुत ही मज़े का और अप्रिशिएटिंग है। अगर हम सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रख लें तो फिर ये जल्दी बन जाता है, अगर साथ साथ काम करें तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। चावल बॉईल करने के लिए पानी गर्म कर लें, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, नमक डालें, और जैसे आप नॉर्मली चावल करते हैं बॉईल करते हैं वो कर लें, और इसके ऊपर डाल दें कोरिएंडर और साथ में पुदीने के पत्ते डाल दें टेस्ट के लिए। चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं, तीसरी तरफ चलते हैं सॉसेस के लिए, सॉस बना लेते हैं। इसके लिए मैं पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ, ओरिगानो डाल रही हूँ, वाइट सॉस डाल रही हूँ, और टमाटो, केचप डाली है मैंने, पिज़्ज़ा सॉस डाली है। जितनी मेरे पास सॉसेस थी मैंने सारी डाल के इनको मिक्स करके रख लिया है। जनाब हमारा चलता है चौथा स्टेप। उसके लिए आप एक पैन में ऑयल डालें, इसके ऊपर पेपरिका पाउडर डालें और चिली फ्लेक्स डाल के इसको अच्छी तरह से कर लें रेडी, और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दें। और जनाब ये हमारा चौथा स्टेप भी ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं 5वें स्टेप की तरफ। आप इसमें डालें जैसे आप नॉर्मली बॉईल करते हैं उसी तरह से, पैकेट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप स्पैगेटीज को और नूडल्स को जो है वो बॉईल कर लें। ऑयल चावल जो हमने किए थे बॉईल, इनके ऊपर हमने जो तड़का तैयार किया था वो डाल दें। अब इनको असेंबल करते हैं सारी चीज़ों को, तड़के को चावलों के ऊपर डाल दें, अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि नीचे की तह तक जो है वो मसाले का जायका चला जाए। इसके ऊपर हम दूसरा काम करते हैं, डालते हैं वेजिटेबल्स जो हमने तैयार की थी वो डाल दें इसके ऊपर। वेजिटेबल्स के बाद हमने बारबेक्यू चिकन जो था वो डालना है, और इसके ऊपर हम करेंगे तीसरा स्टेप, जो हमने सॉस तैयार की थी वो डाल देंगे जनाब स्मोकी टिक्का राइस।
हाँ वो रेडी हैं, देखे कितने मज़े के और यमी से बने हैं। बहुत सा टाइम तो लगेगा, लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको सारा टाइम जो है वो खुशी से आप स्पेंड करेंगे बाकी का टाइम। और हमें दुआओं में याद रखिएगा, और जनाब खाइए, इंजॉय करें, स्टे विद अस, स्टे ब्लेस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल उम्मे अरोज किचन। अल्लाह हाफिज़।